इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन ये एक इथेन का मॉलिक्यूल है इसको मैं लिख लेता हूं सी टू एच सिक्स इन थ्री मोल्स भाई बड़े भाई ये जो थ्री मोल है इस फिगर को एग्जाम में वन मोल मत पढ़ लेना बहुत सारी दुनिया ऐसी मैंने देखी है जो इन चीजों को ढंग से नहीं पढ़ती और गलती कराती है ये थ्री मोल्स हैं तो सबसे पहले इसका आप देखिए करना क्या है क्वेश्चन दोबारा पढ़िए इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं देखो आपका अगर एक मॉलिक्यूल है इथेन का इसमें कार्बन एटम कितने हैं आपके दो हाइड्रोजन के छः हैं कार्बन के दो हुए अब अगर मैं इस ये एक अगर इसका मॉलिक्यूल लेता हूँ अगर मैं इसके मॉलिक्यूल लूँगा सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री तो ये कितने हो जाएंगे ये हर मॉलिक्यूल में उतने हैं तो वो उतने मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री हर मॉलिक्यूल में दो हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में टू इन होंगे ये क्वान्टिटी कहलाती है एक मोल ये इसका मतलब एक मोल अगर मॉलिक्यूल लेता हूँ तो मुझे कार्बन एटम कितने मिलेंगे दो मोल मिलेंगे ये मोल होता है ना ये चाहे इतनी चेयर्स हों इतने प्लैनेट्स हों ये क्वांटिटीज डिजिट को ही मोल कहते हैं तो एक मोल के मिलेंगे आपको दो मोल कार्बन एटम लेकिन आपको कैलकुलेट करना है थ्री मोल्स का तो अगर थ्री मोल आपके पास इथेन है तो उसमें आपको थ्री इंटू टू सिक्स मोल आपको क्या मिलेगा कार्बन आइटम ये बात क्लियर हो गई इसके बाद उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ये भी वही बात हो गई एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं छः एक मोल में कितने होंगे छः मोल तीन मॉल में कितने होंगे छः इन टू तीन अठारह मोल तो इसका आंसर है अठारह मोल एटीन इसका था भाई इसको लिखने का जो सही ढंग है इसको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इंग्लिश कैसे लिखनी है वो सारा कुछ आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वो वहाँ से आप अपने नोट्स बनाना क्योंकि वो आपको बड़ा शॉर्ट और क्लियर लैंग्वेज में मिल जाता है अच्छा अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे क्योंकि ये तो मैं समझाने का काम ही कर रहा हूँ ना यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में आप देखिए यहाँ क्या है वो कह रहा है आ, थ्री मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन ये पहले दो से भी आसान है आ, एक सी टू एच सिक्स है ये आपके पास बोल रहा है कि इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे थ्री मोल्स में एक मोल में कितने होते हैं सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एवोगेड्रोस नंबर इसको एवोगेड्रोस नंबर कहते हैं भाई ये आगे काफ़ी आएगा और थ्री बॉल्स में कितने होंगे थ्री इंटू इतने सो इसका आंसर है एटीन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स इस तरह से ये कर रहा है ठीक होगी बात थैंक यू